बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरफान हैदर, न्यूज़ रूम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ जैसा कि आप देख सकते हैं कि जनरल अमजद शोएब साहब मौजूद हैं। सर, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। बैनुल अक्वामी मामला, ख़ास तौर पर जो मिडिल ईस्ट की सूरत हाल है मौजूदा, उस पर मैं चाहूँगा आपकी राय, माहराना राय आपकी, कि जो अमरीका और इसराइल के दरमियान अभी एक ख़ुद से मुआहदा किया गया, किसी की राय नहीं ली गई, दुनिया भर में खत्ते के जो ममालिक हैं उनसे कोई राय नहीं ली गई और एक फ़ैसला कर दिया गया है फ़लस्तीन के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं इस पे रिएक्शन क्या होगा मुस्लिम ममालिक का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुस्लिम ममालिक को आउटराइटली इस ऐलान को, ट्रंप की इस प्लान को रिजेक्ट करना चाहिए। बात यह है कि कोई भी आप फैसला करें, ये तो हम सब जानते हैं कि फ़लस्तीन का एक पुराना झगड़ा मौजूद है जहाँ फ़लस्तीनियों को अपनी ही ज़मीन से बेदखल किया गया है, और इसराइल का एक मकाराना कब्ज़ा जो आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ाता गया, और फिर उसने 1973 और फिर पहले 1967 और फिर 1973, उसमें उसने अरबों की जो ज़मीनें कब्ज़ा की वो यूनाइटेड नेशन की करारदादों की मुखालफत में की हुई हैं। यूनाइटेड नेशन ने कहा यह कब्ज़ा नहीं रखा जा सकता, इसको खाली करें। आज वो ज़मीनें नाजायज़ कब्ज़े में उसके पास मौजूद हैं। अब कोई भी अगर फैसला हो जो इंसाफ पे मबनी हो, तो उसमें पहले दो अरबों की ज़मीनें वापस होनी, वो वापस जाएंगी। फिर यह है कि फ़लस्तीनियों का अपना एक तशख़्स जहाँ उनका जो उनकी ज़मीन बनती है वो, प्लस यरूशलम जो उनका हक था या उनका कैपिटल है, वो उनको मिलता है। तो फिर इन लोगों को, अरबों को या मुसलमान दुनिया को या दूसरी तरफ फ़लस्तीनियों को, उस हल के कबूल करने में कोई शायद उज़र ना हो, ठीक है। लेकिन जब आप इंसाफ पे मबनी फैसला नहीं करते और दो फरीक हैं, एक के मफादात का तहफ़ आप अपना नस्बुलैन बना लेते हैं, ठीक है, दूसरे की बात भी नहीं सुनी जाती, दूसरे को राय तक नहीं ली गई, उसकी राय भी नहीं ली गई, तो इन हालात में वो जो फैसला है वो यकतरफा है। तो मैं जो बात कर रहा था वो ये है कि ये इंसाफ पे मबनी नहीं है, लिहाजा जब तक दोनों फरीकों के साथ इंसाफ ना किया जाए, ख़ास तौर पे एक महकूम मजबूर और ऐसे फरीक के साथ जिसके साथ लगातार ज़्यादती होती रही है साला साल से, तो वो तो इंसाफ ही मांग रहे हैं ना। अगर वो उनके साथ इंसाफ नहीं होगा तो वो फ़ैसला आज जो भी आप करें वो देरपा भी नहीं हो सकता, कबूल भी नहीं हो सकता आम दुनिया को। यहूदी आबादकारी बढ़ाने का एक तसलसल है, इसे कहा जा रहा है। देखें, अब इस फैसले में कितनी कमजोरियां, मगरबी किनारा जो कि उर्दन के पास था, वो दरिया उर्दन का मगरबी किनारा वो उन्होंने इसराइल को दे दिया। यूनाइटेड नेशन कहती है कि जनाब इसके ऊपर बनाई हुई बस्तियां जो हैं वो गैरकानूनी हैं। आप कहते हैं ये बस्तियाँ जो बनी हुई हैं वो ठीक हैं, चार साल आप और बस्तियाँ ना बनाएं, उसके बाद फिर बनाना शुरू कर दें, तो वो चार साल का वक्फा भी क्या वक्फा है। इसी तरह यरूशलम का आपने फैसला कर दिया, गुलान हाइट जो है वो शाम की हैं, सीरिया की वो उनको नहीं दी जा रही वापस, और यरूशलम को आप कह रहे हैं कि जनाब वो इसराइल का दारुल हुकूमत होगा। तो जब आप इस तरह के काम कर रहे हैं, और फिर जो इसराइलियों को जो ज़मीन दे रहे हैं, एक तो वो दो हिस्सों में कि जी उनको पुलों के ज़रिए जोड़ देंगे, फलां करेंगे, ये कोई तरीका है, और फिर चारों तरफ से वो इसराइल में घिरी हुई है, इसका मतलब ये है कि इस सारे खित्ते की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इसराइल के पास होगी, और फ़लस्तीनी जो हैं वो इसराइल की एक कॉलोनी की शक्ल में या इसराइल में घिरे हुए एक शहर की शक्ल में अंदर मौजूद होंगे, ना उनकी अपनी फ़ौज होगी, ना वो कोई अपना दिफा कर सकेंगे, और जब जी चाहे इसराइल उनको चारों तरफ से काबू कर ले, क्योंकि उसके चारों तरफ इसराइल की टेरिटरी आपने रख दी, नक्शा तक बना दिया। मतलब ये एक, जैसे हम कहते हैं ना, रस्सागिरी हम अपने ज़माने में यहाँ कहते हैं कि वो अमूमन किसी का माल ले लिया, जिसका जी चाहा उसका माल उठा लिया, और फिर उसके बदमाशी। तो ये उस तरह का काम इन्होंने किया है। चूँकि मुसलम उम्मा मुत्तहिद नहीं है, कमज़ोर हैं, वो बेचारे फ़लस्तीनी भी दबे हुए हैं, उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। किसी ज़माने में अरब उनकी आवाज़ उठाया करते थे, अब अरब मुल्क में वो इसराइल के साथ मुआहदे करते जा रहे हैं और उनकी बालादस्ती तस्लीम कर रहे हैं। इन हालात में अमरीकियों को पूरा इत्मीनान है
کہ کوئی کہ جو فیصلہ ہم کریں گے اس پہ کوئی مزاحمت نہیں, جو جی چاہے ہم کر جائیں. اچھا لہٰذا اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرمپ کو یہ ضرورت ہوئی, ورنہ کبھی ضرورت ہی نہ ہوتی اگر مسلم مما کرتی ہوتی. اس فیصلے کے بعد آپشنس کیا ہیں؟ حماس اور جو الفتح وہاں کی بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے آپس میں میٹنگز بھی کی ہیں, ترکی کی طرف سے واضح بیان آ گیا ہے, ایران بھی ساتھ دے رہا ہے, اور کون کون سے اسلامی ممالک ہیں جو دیکھیں پاکستان نے بھی اس چیز کو ایک طرح سے ریجیکٹ کیا, کیونکہ پاکستان نے کہا کہ ہم صرف وہ چیز سپورٹ کرتے ہیں جس میں کہ فلسطینیوں کو آزاد ریاست ملے اور یروشلم ان کا کیپٹل ہو. یہ پاکستان نے کہا, یعنی ہم نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کی پلان پہ لعنت بھیجتے ہیں, یہ وہ ریجیکٹ کرتے ہیں, وہ تو نہیں کہا, لیکن وہ ریجیکٹ ہی کیا کیونکہ ہم نے کہا جی جو ہم فلسطینیوں کے لیے جو ریاست مانگ رہے ہیں وہ یہ ہونی چاہیے. تو اس لحاظ سے تو ہم نے اپنی بساط کے مطابق ٹھیک کیا. لیکن ترکی, ایران یا کوئی بھی ملک آپ دیکھ لیں, کسی کی بھی آج وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ وہاں جا کے اسرائیل کے خلاف انٹروین کر سکے یا امریکہ کے دو بدوا سکے. وہ اب آپ امریکہ, ہم اسرائیل کہتے ہیں لیکن امریکہ سمجھے کیونکہ وہاں پہ امریکہ ہوا. اس میں حل ایک ہی تھا انٹروینشن کا کہ مسلمان ملک سارے اکٹھے ہو کے تو یک زبان بات کرتے اور بے شک جنگ نہ کرتے اس کے مضمرات بتاتے کہ ہم اور آپ کے خلاف کیا کیا قدم اٹھا سکتے ہیں. تو یہ کوئی 54-55 کنٹریز ہیں اسلامی جن کو آپ پھر اگنور نہیں کر سکتے تھے, لیکن وہ چیز نہیں ہے. لہذا جو طیب اردگان کا بیان ہے یا ایرانین وزیر خارجہ کا بیان ہے, یہ بیانوں کی حد تک تو سٹرانگ ہیں لیکن ان سے آگے بات نہیں بڑھے گی. اب مجھے جو آگے نظر آتا ہے, اب حل کی بات کر رہے تھے یا کیا آگے ہوگا, حل اس کا نہیں ہو سکتا کیونکہ جب آپ امریکہ اور اسرائیل کو ایک اختیار آپ نے دے دیا اور خود آپ محکوموں کی طرح چپ ہو کے بیٹھ گئے اور اتحاد بھی اتفاق بھی نہیں آپ کا, تو وہ تو جو انہوں نے کیا ہے وہ کر گزریں گے. لیکن اس میں مزاحمت آئے گی فلسطینیوں کی طرف سے, اور فلسطینی جب مزاحمت کریں گے تو یہاں خون خرابہ ہوگا. سو مجھے جو سب سے زیادہ چیز پریشان کرتی اور فکر مند ہوں میں جس چیز پہ, وہ کہ انتفادہ کرنے والے, پتھر پھینکنے والے وہ نہتے فلسطینی جن کے پاس صرف پتھر ہی ہیں, پتھر ہی ہیں, وہ بیچارے جانے دیں گے, ان کا بڑا خون خرابہ ہوگا. ان کو ہم مسلسل ان کو عالمی طاقتیں جو ہے بند گلی میں لے کے جا رہی ہیں اور ان کے پاس آپشن نہیں رہے, کوئی آپشن نہیں. نیچرلی وہ قبول تو نہیں کریں گے یہ چیز, لیکن ان کے پاس آپشن ہے کیا؟ پھر قبولیت میں یہی ہے کہ نہیں کیا تو پھر مظاہرے ہیں, مظاہرے کریں گے تو اسرائیلی ان کے اوپر ظلم کریں گے, پرتشدد بھی ہوں گے, پتھر پھینکے جائیں گے, کچھ اور ہوگا, کوئی دھماکہ ہو جائے. تو یہ صورت حال بگڑ رہی ہے مڈل ایسٹ میں, خاص طور پہ فلسطین میں, جو کہ تکلیف دہ بھی ہے, پریشان کن ہے, اور مسلمان ممالک کو قطن کوئی شرم, کوئی خیال نہیں ہے, کوئی احساس نہیں ہے, صرف ایک نفسہ نفسی کا عالم ہے جہاں اسلامی دنیا نے اپنی اپنی سوچ, اپنے اپنے مفادات کے مطابق امریکہ کو اپنا قبلہ و کعبہ بنایا ہوا ہے اور اس طرف مائل ہیں. نتیجہ یہ کہ وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کو ہر جگہ نقصان پہنچا رہے ہیں. اچھا خطے میں تصویر کا ایک اور رخ ہے, ایران امریکہ آمنے سامنے آ گئے تھے, آپ سمجھتے ہیں یہ معاملہ ٹل گیا ہے, وقتی طور پہ ٹلا ہے یا مکمل اب دونوں طرف سے آگ بجھ چکی ہے؟ نہیں, وقتی طور پہ آپ کہہ لیجئے کہ ٹل گیا ہے, لیکن اس کا حل بھی نہیں ہوگا اور اس سے آگے بڑھے گا بھی نہیں, بڑھے گا بھی نہیں. میں آپ کو جو میں چیز واضح کرنا چاہتا ہوں, ایران نے بارہا کہا ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے نیوکلیئر معاہدہ توڑ دیا, لیکن ہم تو نیوکلیئر ویپن بنانا ہی نہیں چاہتے. ایران نے بار بار کہا, ایک چیز ہے کہ آپ بامب نہ بنائیں لیکن آپ اپنی ایک ریسرچ جاری رکھتے ہیں, آپ اپنا کام کرتے رہتے ہیں, ایک سائنس ہے آپ بھی اس کو, اس کے کئی اور فوائد ہیں. وہ کہتے ہیں صرف انرجی کے لیے ہم وہ کرتے رہیں گے, لیکن نیوکلیئر بامب نہیں ہم بنائیں گے. اب اگر امریکہ کو بھی یہ پتہ ہے اور وہ سارا ان کی انٹیلیجنس بھی کام کرتی ہے اور سب ان کو علم ہے کہ یہ نیوکلیئر بامب نہیں بن رہا, تو ان کو ایران سے اور کوئی تکلیف نہیں ہے. وہ ایران کا ایک خوف کھڑا کریں گے مڈل ایسٹ کے ملکوں کے لیے, جس سے ان کو دو تین فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ اس کے خوف کی وجہ سے وہ عربوں کو کہیں گے کہ جی آپ کے دفاع کے لیے ہمارا یہاں ہونا ضروری ہے, لہذا ہم اپنی فوجیں اور اپنی نیوی لے کے آ گئے ہیں, جواز بنا لیں گے. جواز جیسے انہوں نے افغانستان میں جب یہ جواز بن گیا تو پھر ان کو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم چونکہ آئے ہی آپ کے لیے ہیں لہذا پیسے دیں ان کے, تو فوجیں بھی لے آئیں, خرچہ بھی عربوں نے دیا, لیکن مقصد ایران نہیں ہے, مقصد ان کا چائنا ہے.
चाइना, ठीक, आपने गवादर पोर्ट दे दी चाइना को, आपने एक रास्ता दे दिया अफ्रीकन कोस्ट का भी, सऊदी अरेबिया की तरफ भी, मिडल ईस्ट, ये सारा गल्फ स्टेट्स वगैरह सारी, और चाइना को कारोबार में बड़ी आसानी हो गई। तेल वो यहाँ से लेते हैं, तेल भी आ गया और उनकी प्रोडक्ट्स भी यहाँ जाएंगी। दुबई में उन्होंने बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज बनाए हुए हैं, उनका सामान आता है पूरी दुनिया में वहाँ से जाता है। लेकिन चाइना ही सबसे बड़ा अमेरिका के लिए इकॉनमी के नुकसान का से चैलेंज है, चैलेंज है सबसे, और तेज़ी से। लिहाजा उनकी कोशिश ये है कि चाइना की इकोनॉमिक एक्टिविटी रोकी जाए। उनको शक है, वो कई दफ़ा कह भी चुके हैं, या अगर शक नहीं तो वैसे ही कहते रहते हैं कि जनाब किसी वक्त पे गवादर जो है वो एक चाइना का नेवल बेस बन जाएगा। हालांकि चाइना ने भी और पाकिस्तान ने भी इस चीज़ का इनकार किया है कि ये जो जो राहदारी है ये एक माशी तरक्की का रास्ता है, फौजी कन्फ्रंटेशन का नहीं है। लेकिन वो ये कहते हैं मैं, लिहाजा उन्होंने ला के हमारे ग्वादर पोर्ट के सामने, आप कह लीजिए अरेबियन सी में, उन्होंने अपनी नेवी, बहुत बड़ी नेवी ला के वहाँ पर खड़ी की है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, और वो यहाँ रहेंगे, पैसे अरब देते रहेंगे और ये चाइना को मॉनिटर करते रहेंगे यहाँ पर बैठ के। तो उस लिहाज से ईरान एक बहाना है, ईरान को जो उन्होंने करना था वो कर दिया, उसका नाटका बंद किया हुआ है, सैंक्शंस पे तहाशा है, इकॉनमी उनकी बर्बाद कर दी इन्होंने। तो जब आप ये इकॉनमी भी आपने बर्बाद कर ली, मुल्क के अंदर सकत नहीं आपने छोड़ी, और ये भी आपको पता है कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे, जब अपनी सर्वाइवल का मसला हो तो न्यूक्लियर वेपन सूझेंगे, तो वो मुतमईन है। आखिरी सवाल सर, यहाँ तक अमेरिका की जानिब से तो एक बयान ये भी सामने आया है कि जब कोरोना वायरस जो वहाँ पे चाइना के अंदर है, वो कह रहे हैं कि इससे हमें फ़ायदा होगा, अमेरिकन कह रहे हैं, मतलब इस हद तक इंसानियत से गिरा हुआ बयान सामने आया है कि हमारी मईशत मजबूत होगी चूँकि चाइना, तो इस पर आप क्या कहेंगे? एक जो हुकूमती सतह पर ऐसे लोगों, पढ़े लिखे लोगों के ऐसे बयान इंसानियत के ख़िलाफ़। बात यह है कि इंसानियत, अखलाकियात, ह्यूमन राइट्स, ये बड़ी ताकतें ख़ास तौर पे अमेरिका वगैरह ये तो जूते के नोक पे रखते हैं, इनके कामों में कतन अखलाकियात नहीं है। ये इतने बद अखलाक और घटिया इस मामले में कि दुनिया को दर्स देते हैं। आपके यहाँ एक वो गलत वाकया था हुआ, क्रिश्चियन लड़की आसिया बीबी का, ठीक है, उसी के ऊपर सारा मयार आपका कि जनाब आपके यहाँ मजहबी रवादारी नहीं है, इंसाफ नहीं है, जो आपके यहाँ माइनॉरिटीज़ हैं उनके हकूक नहीं हैं, और दूसरे मुल्कों में जाके इन्होंने लाखों लोग मार दिए, इराक़ में आप देखिए, और कोई ना ह्यूमन राइट्स का, वहाँ पे उनकी औरतों के साथ भी ज्यादतियाँ की, उनका बैंक उनके माल सोना लूट के वहाँ से ले गए, वो अबू गरीब जेल थी उसमें पता नहीं क्या क्या करते रहे, लीबिया में क्या कुछ किया, तो वहाँ इनको कोई अखलाकियात कोई चीज़ नहीं। लिहाजा ये कहना कि ये गिरा हुआ बयान इन्होंने दे दिया, जनाब ये हकीकत यही है अंदर से कि चाइना में, तभी तो चाइना को और मुल्कों को, कई मुल्कों को शक पड़ रहा है कि ये अमरीकियों का किया धराना हो, ये जो वायरस का किस्सा है। चीनियों को पता नहीं लगा शुरू में, बाद में पता लगा, आबादी बहुत है, बड़ी जल्दी फैलना शुरू हुआ। अब नुकसान तो उनकी इकॉनमी का बहुत हुआ है, उनकी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, उन्होंने गैर मुल्की वापस चले गए, गैर मुल्की जो मुख्तलिफ जगहों पे काम करते थे वो भी चले गए, और अक्सर जगहों पे काम बंद है, अब लोग वहाँ पे चाइना छोड़ छोड़ के बाहर निकल रहे हैं। ये सिलसिला दोबारा शुरू करने में बड़ा वक्त लगेगा, लोगों को जब तक पूरा यकीन नहीं हो जाएगा 6-7 महीने के जनाब अब वायरस वाला ख़तरा नहीं रहा, तो वहाँ जाना किसी ने नहीं, तो इन चीज़ों की वजह से इन्होंने अपना काम कर दिया। क्वाइट पॉसिबल कि ये अमरीकियों ने वायरस चलाया हो, फैलाया हो, लेकिन नुकसान बहुत हुआ चाइना के। बहुत शुक्रिया जनरल अमजद शोएब साहब, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।